रांची के नौजवानों के लिए खुशखबरी, लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में कायम लिंकन कॉर्नर में नए स्टार्टअप लैब का इफ्तिताह अमरीकी सफीर ने कर दिया। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि जहीन नौजवान को स्टार्टअप लैब से फायदा होगा। वजीर सकाफत सिंध सरदार शाह का कहना था कि जल्द दूसरी लाइब्रेरीज में भी स्टार्टअप लैब का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सफीर ने लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में कायम लिंकन कॉर्नर में नए स्टार्टअप लैब का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था कि स्टार्टअप लैब से जहीन नौजवानों को मौके मुयसर आ सकेंगे। उनकी पजीराई के लिए इस तरह के इकदाम की जरूरत है। This startup lab is really about opportunity. It's about giving young people, young entrepreneurs who have an idea, the opportunity to use the equipment and the expertise here to make their idea a reality. वजीर तालीम और सकाफत सरदार शाह का कहना था कि जहां लाइब्रेरी होती है वहां पूरी दुनिया में स्टार्टअप लैब का कॉन्सेप्ट मौजूद है। टेक्नोलॉजी के हवाले से बच्चे जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं वहां छोटे पैमाने पर एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट किया जाए कि बच्चे अपना कारोबार कर सकें। ये कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो दुनिया में मॉडल आते जाते हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है कि वो आके वहाँ से मॉडल पिक करें। तो ये फर्स्ट स्पेस है और इस हवाले से आगे भी दूसरी लाइब्रेरीज में भी हम उनके इनको ले जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे ले जाएंगे। उनका कहना था कि पहला लिंकन कॉर्नर 2016 में कायम किया गया था। उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में 5 लिंकन कॉर्नर कायम किए गए, जिसका मकसद था अच्छे माहौल में बच्चों में पढ़ने का शौक को बेदार किया जा सके। बलूचिस्तान में जश्न